Ahead of the announcement of the 2024 Lok Sabha polls, residents from 8 villages in the tribal-dominated Dhamtari district of Chhattisgarh staged a protest pressing for various demands including improved education and health infrastructure and better roads. Protesters also said they have been unable to access the benefits offered through various government schemes. कृषि विभाग की ओर से यहाँ योजनाओं का लाभ नहीं मिला जाता है. आज कृषि विभाग की कई योजना है जैसे मिलेट्स का, सबसे ज़्यादा अगर यह मिलेट्स का अगर वो है क्षेत्र है तो यही क्षेत्र है. ना सड़क की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना कृषि के लिए कुछ वो है, ना कानून व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ है. कोई भी विभाग जो है ना वहाँ पर उनका जो है ना पहुँच नहीं है. किसी न किसी प्रकार से एक खाना पूर्ति किया जाता है. खाना पूर्ति की वजह से जो है ना वहाँ के लोग कि अगर आप शैक्षणिक योग्यता अगर देखेंगे तो मिनिमम 8वीं पास, ये परिस्थितियाँ बन रही है. अभी हम हमारे गांव के विभिन्न समस्या लेके बैठे हैं. हम मांग तो नहीं करत हैं जो शासन प्रशासन के सुविधा है हम वापस देवर बैठे हैं, खास करके सिविल अस्पताल के समस्या है. The district collector assured that the demand for the appointment of doctors at the civil hospital in Borai village is being addressed. बुरे की मुख्य मांग वही है कि वहाँ पे जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर पदस्थ नहीं है. वर्तमान में एक डॉक्टर वहाँ पे पदस्थ किया गया है क्योंकि वो महिला डॉक्टर है, उसके रहने की व्यवस्था करके विद इन 1 वीक वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट. द प्रोटेस्टर्स स्टेटेड दैट दे वुड कंटिन्यू विद देयर एजिटेशन अंटिल ऑल ऑफ देयर डिमांड्स वर मेट.